side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And तो हे गाइस वेलकम बैक। एंड दोस्तों ये है कल्याण का बाईपास रोड। यहाँ से अब जाएंगे, ये कल्याण के ब्रिज है बाईपास रोड के, सीधा जाएंगे तो ढाबे के लिए आपको नवाब ढाबे के लिए आगे से यू टर्न मार के आना पड़ेगा। वो लॉन्ग डिस्टेंस है, 10 से 15 किलोमीटर ज़्यादा है। शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ से बाईपास से आप लेफ्ट मारे भिवंडी के लिए। यहाँ का रोड बहुत अच्छा हो गया है, पहले बहुत खड्डे हुआ करते थे बट अभी पूरा वो रोड अच्छा बन चुका है। दोस्तों ये पहली ब्रिज आएगी लेफ्ट लेके, काफी अच्छा रोड हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है, शॉर्टकट भी है। एंड यहाँ से आपको लगेगा दोस्तों, जैसा कि पहले आपने लेफ्ट लिया, फिर ब्रिज आई, फिर ब्रिज से आपको राइट लेना है, फिर आपको स्ट्रेट स्ट्रेट आना है, एंड फिर उसके बाद एक और ये ब्रिज आएगी। ये ब्रिज चढ़ने के बाद आपको फिर यहाँ से एक राइट लेना है ढाबे के। नवाब, हम पहुँच गए नवाब ढाबा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्किंग है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत आते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है इस वजह से। अभी आप देखें एक बार, नहीं बोले तो कम से कम 150 से 200 बाइक यहाँ खड़ी है, फिर कार पार्किंग भी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस वजह से मैंने सोचा कि इसके लिए एक व्लॉग बनाया जाए आप लोगों के लिए। थोड़ा मैं पार्किंग मैं आ गया हूँ नवाब ढाबा। अरे आप देख सकते हैं नवाब ढाबे की काफ़ी अच्छी यहाँ पे एंट्री आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो मैं पहले आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जेंट्स के कितने डिपार्टमेंट है और लेडीज़ के, स्पेशली फैमिली लोगों, यहाँ पे जो फैमिली के लोग आते हैं उनकी प्राइवेसी का कितना ख्याल रखा गया है। सो गाइस पहले हम वॉक थ्रू करते हैं यहाँ पे। एंड पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेंट्स के यहाँ पे आपको 4 डिपार्टमेंट मिल जाते हैं। एंड जो ये 3 डिपार्टमेंट आपको 3 पार्ट्स में जो मिलता है दोस्तों, ये आपको टोटली ओपन स्काई के अंदर मिल जाता है। एंड मेरे पीछे आइए, यहाँ पे राइट साइड में, अगर आपके लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो वहाँ पे एक रूफ के नीचे भी आपको एक डिपार्टमेंट मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे स्पेशली अगर आप ओपन स्काई का मज़ा लेके आप अगर डिनर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर मैं दस्तरखान की बात करूँ तो दस्तरखान के थ्रू भी यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। देखिए दस्तरखान भी यहाँ पे है। बहुत लोगों जो शाही अंदाज में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे आप दस्तरखान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह बढ़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पे लास्ट वाला आपको पार्ट्स देखने को मिल जाता है, जो ओपन स्काई के नीचे आप अच्छे से अपनी डिशेज़ का मज़ा लेके आप यहाँ पे उसे खा सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों कि स्पेशली फैमिली के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्राइवेसी है। मैं वो सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले जेंट्स का डिपार्टमेंट मैंने बताया, अब आते हैं हम फैमिली के लिए। तो फैमिली में मैं आपको पहला बताना चाहूँगा, जैसे हमने जेंट्स में देखा है कि दस्तरखान का जो सिस्टम है यहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे फैमिली के लिए भी अवेलेबल है दोस्तों। जैसा अभी आप लेफ्ट साइड में देखें यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं फैमिली के लिए दस्तरखान। थोड़ा नज़दीक आइए ज़रा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखिए दस्तरखान मिल जाते हैं स्पेशली फॉर फैमिलीज़ के लिए। एंड अगर बहुत सारे जो फैमिलीज ऐसे होते हैं जो ओपन स्काई का मज़ा लेके अपने डिश का मज़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी आपको देखने को मिल जाता है। मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप देखें तो यहाँ पे आपको ओपन स्काई के नीचे अपने डिश का मज़ा ले सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती है जो पर्दे को ज़्यादा अहमियत देती हैं और पर्दे में ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हमारे स्पेशली इस ढाबे की बात करें तो यहाँ पे कर्टन्स का भी इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पे जो फैमिली प्राइवेसी में, एकदम प्राइवेसी में अगर खाना चाहे तो वो भी इस जगह पे आके मज़ा उठा सकते हैं, लुफ्त उठा सकते हैं। और मैं अगर इस शेड की बात करूँ तो ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये शेड में आप आराम से डाइनिंग अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिनर की पार्टीज़ वगैरह भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम ओपन स्पेस मिल जाती है। और एक सबसे बेस्ट पार्ट इस ढाबे की है एक रूम जो स्पेशली बहुत ही प्यारा सा है, एक छोटी फैमिली के लिए भी अगर आप आते हो, यहाँ पे 4 से 5 लोग
या 6 लोग भी अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही प्यारा सा रूम है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहली बात, यहाँ की एंट्री पे काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है, और अंदर की बात करें, अंदर आइए ज़रा, अंदर आप दिखा दें तो यहाँ पे पूरी प्राइवेसी का ख्याल रखा गया। यहाँ पे भी आप दस्तरखान का मज़ा ले सकते हैं दोस्तों, एंड काफ़ी अच्छा इंटीरियर वगैरह भी देखिए काफ़ी अच्छा किया गया है। और अगर आपको देखना है तो पूरी साफ सफाई भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी साफ सफाई की गई है। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चों के लिए स्पेशली यहाँ पे हर तरीके के गेम का इंतज़ाम किया गया है, ताकि बच्चे यहाँ पे मज़े उठा सकें और आप आराम से अपना खाने का लुत्फ़ उठा सकें। सो मेरे बैक साइड अगर आप देखें तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे गेम्स मिल जाएंगे, एडवेंचर्स गेम मिल जाएंगे बच्चों के लिए। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बच्चों के लिए बलून्स वगैरह भी है, एंड सबसे बेस्ट ये जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है बच्चों के लिए जो जंपिंग के लिए है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आपकी हर एक चीज़ को बारीक से चीज़ को यहाँ पे पूरी से ध्यान रखते हुए इस ढाबे का पूरा डिज़ाइन किया गया है, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस ढाबे की। सो दोस्तों, मैं इस ढाबे की अगर खासियत की बात करूँ तो सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप कैश काउंटर की बात करें तो कैश काउंटर आपको किचन के बाजू में मिलता है। उसका ये रीज़न है दोस्तों किचन के बाजू में रखने का, ताकि आपको मालूम पड़े कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है आपको टोटली हाइजीन प्रोडक्ट मिलता है, नीट एंड क्लीन मिलता है। अगर मैं इस फ्रिज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो पानी है, पानी तक भी आपको ब्रांड मिलता है, जैसा बिस्लेरी हो गया, एक्वाफिना हो गया। देखिए ये खरीदने में महंगे होते हैं लोकल ब्रांड के कंपेयर में, और बहुत सारे ढाबे वाले लोकल ब्रांड सेल करते हैं, प्राइस सबसे वही लेते हैं। बट मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कि जब आप कहीं होटल या कोई ढाबे पर अगर आप विजिट करते हैं तो आपको उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर मैं वेज की बात करूँ तो यहाँ पे वेज देखिए टोटली फ्रेश आपको वेज, नीट एंड क्लीन आपको वेजिटेबल्स पूरे यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके सामने। एंड यहाँ पे देखिए जो चाइनीज़ के भी जो आइटम्स होते हैं वो पूरे ब्रांड ही प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है आपके सामने। आप जब यहाँ पे कैश पे करने आते हो तभी आपको यहाँ पे दिख जाता है कि नीट एंड क्लीन आपका टोटली हाइजीन प्रोडक्ट यहाँ पे आपको आपका फूड मिल जाता है। मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा। सबसे बेस्ट ये है कि देखिए हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसा ये अमूल बटर, बहुत सारे ढाबे आपको नॉर्मल बटर दे देंगे या नॉर्मल घी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ ब्रांड। मैं ये सारी चीज़ें मैं इस वजह से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको मालूम पड़े कि आप किस ढाबे में गए हैं और किस ढाबे में आप कैसा प्रोडक्ट या कैसा फूड आप खा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है टोटली हाइजीन प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी। एंड दोस्तों नवाब ढाबे की सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेश चिकन, कोई फ्रोजन आइटम नहीं मिलता है आपको। यहाँ पे देखिए बॉयलर वगैरह लाइव आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप देसी मुर्गी अगर लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाता है। अगर ये साइड में आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पे देसी मुर्गी वगैरह भी अंदर आपको मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ की कटिंग की, तो यहाँ पे आपके सामने ही अगर आप चाहें तो आपके सामने ही आपके चिकन्स को कट करके पूरी फ्रेशनेस के साथ में। दोस्तों मैंने ऑर्डर जो किया है मैं आपको जब वो ऑर्डर आएगा तभी बताने वाला, लेकिन सबसे पहले आपको ऑर्डर करना है दोस्तों चना लहसुन, क्योंकि चना लहसुन ढाबे की शान होती है। और ये चना लहसुन जो ढाबे पर जो टेस्ट मिलता है ना, वो आपको कहीं और खाओगे तो वो बिल्कुल भी सेम टेस्ट नहीं मिलेगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट होता है दोस्तों ये लहसुन, बहुत लोग इसे ट्राई नहीं करते, बहुत लोग डरते हैं कि थोड़ा स्पाइसी भी हो सकता है या जो उसका एक्चुअल टेस्ट है कड़वा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे डीप करके डायरेक्टली खा सकते हैं। एंड दोस्तों ये नेचुरल है एकदम, कोई इसका मतलब ऐसा अगर मैं बोलूं कोई कड़वा कुछ भी नहीं है, लेकिन चना लहसुन आपके लिए समझो एक टाइम पास है दोस्तों, तो आप इसे ज़्यादा ऑर्डर मत करें, नॉर्मल ऑर्डर करेंगे ताकि बस आपका टाइम पास हो। क्योंकि यहाँ पे जब आते हो तो आपको मेन चीज़ ट्राई करना है जो चिकन्स के आइटम होते हैं काफ़ी, आप उसे ट्राई करें। तो स्टार्टर वगैरह भी आ चुका है, साथ ही मेन कोर्स भी हमने ऑर्डर कर दिया है। तो पहले आपको यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ तो ये आपको मिलता है चटपटा, फिर आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे अफ्रीकन तड़का, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट। एंड दोस्तों मेन कोर्स की अगर बात करें तो भिवंडी स्पेशल आपको यहाँ पे हंडी में मिल जाएगा दोस्तों। देखिए मैं जैसा कि हर बार आपको बताता हूँ, मैं पहला टेस्ट करूँगा दोस्तों, एंड ये जो भी ओपिनियन होगा वो मेरा पर्सनल का ओपिनियन होगा। एंड मैं इस बार देखिए मैं ग्रुप में हूँ, हर बार ग्रुप में आता हूँ, लेकिन इस बार मैं ग्रुप से भी डिस्कशन करूँगा उनका क्या पर्सनल डिसीजन है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के एंड में। पहले हम स्टार्टर को ट्राई करेंगे, चटपटा मैं ट्राई करने वाला हूँ। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत ही डिलीशियस है, ये मुझे बहुत पसंद आया। अब आते हैं अफ्रीकन पे, अफ्रीकन हो गया,
भी स्पाइसी उतना नहीं है, नॉर्मल स्पाइसी है, बट ये थोड़ा क्रीमी टाइप का है, ये भी अच्छा लगा। ये कौन सा था? तड़का। तड़का थोड़ा स्पाइसी है, जो स्पाइसी अगर खाना चाहे तो तड़का को ज़रूर ऑर्डर करें, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और मेरा हमेशा का फेवरेट ड्राई फ्रूट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, देखिए मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है, तो तड़का मेरे ओके ओके था। सही, तुझे पसंद है तड़का? तो स्पाइसी खाता है ना स्पेशल। तो देखिए ये मेरा ओपिनियन था कि मुझे स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं, बट ये दोनों को स्पाइसी पसंद है, तो ओवरऑल स्टार्टर का टेस्ट बहुत अच्छा था। मेन कोर्स बाकी है दोस्तों, फिश भी बाकी है और अंगारा भी बाकी है। मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं पूरा डिटेलिंग आपको उसको रेटिंग लास्ट में दूंगा, ये मेरा आपका अपना। आप भी जा रहे हैं? अब्बा बहुत भर के थोड़ा बोले तो घर वाले झूठ बोल के ढाबा गया था, ढाबा गया था, चिट गया ना, मैं तो नहीं मारूंगा बेटा, तेरी बीवी तो कमाएगी अब। ढाबे की शान पे से एक शान दाल खिचड़ी का भी उसका नाम है दोस्तों, क्योंकि दाल खिचड़ी ऐसी डिश है, एक ऐसा है कि जो बोलते ना कि इसे खाए बिना आपका पेट नहीं भरेगा। कि बहुत सारे जो होते हैं जिनको राइस ज़रूरी होता है, जैसे हमारे भाई, इन्हें भी राइस ज़रूरी होता है, हमारे आलम भाई को, तो दाल खिचड़ी हमने ऑर्डर किया है स्पेशली। तो स्पेशली दाल खिचड़ी, देखिए ढाबे की शान दो चीज़ हमेशा होती है, एक होता है एक चना लहसुन और एक होता है दाल खिचड़ी, बाकी स्टार्टर मेन कोर्स तो है ही, उसकी बात अलग होती है, बट ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी भी जाओ ढाबे पे तो ये दो चीज़ तो आप डेफिनेटली ट्राई करें, कोई भी ढाबे पे, लेकिन स्पेशली ये ढाबे की दाल खिचड़ी बहुत ज़्यादा। इसके बाद आखिरी नहीं सेकेंड लास्ट आइटम अभी आने वाला है, डेजर्ट वगैरह, और लास्ट में आएगी यहाँ की सबसे बेहतरीन, ये पुडिंग का नाम है अरेबिक पुडिंग। सो दोस्तों पुडिंग का टेस्ट आपको पता ही है, मैं इसको एक अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतना डिलीशियस, इतना यमी है, और जो नॉर्मल पुडिंग होती है उससे कई ज़्यादा, मैं बोलूँ अगर एक छोटे से अल्फाज से बोला जाए तो ये मेरे से हज़ार गुना ज़्यादा भी अगर बोला जाए तो भी कम है, क्योंकि इतना ज़्यादा लजीज है। एंड दोस्तों उसके बाद हम स्टार्ट करें, मतलब जो हमारा एंडिंग होगा वो चाय पे होगा, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने खुद कहा है, और यहाँ के ओनर ने भी कहा है कि आगे जो लोकल है वो यहाँ पे हमेशा रात की चाय उनको कंटिन्यू, उनके कस्टमर लोकल बन चुके, क्योंकि उनकी चाय बहुत अच्छी है। एंड बहुत से इतने मतलब चाय के लत लग गई है लोगों को कि बिना वो चाय पे उनकी नींद तक नहीं आती। सो दोस्तों जैसा कि आपने अरेबिक पुडिंग के बारे में मेरा रेटिंग लिया है और अपने टेस्ट के बारे में बताया, अब यहाँ पे है गड़बड़ जो चार फ्लेवर से बना होता है दोस्तों। एंड यहाँ पे आपको उसके ऊपर फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसा कीवी है, एप्पल्स है, बनाना है, एंड काफ़ी इसमें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिल जाते हैं दोस्तों, जेली वगैरह भी हो जाती है। एंड सबसे बेस्ट और आखिरी पार्ट है जो मलाई टी यहाँ पे आ चुकी है, भाई जरा यहाँ पे टी लाइएगा। तो यहाँ पे देखिए मलाई टी भी आ गई है, जो यहाँ की शान है ढाबे की, और ये यहाँ के, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ के लोगों, जो लोकल है, लोकल पर्सन यहाँ के, उन लोगों के यहाँ की चाय की लत लग चुकी है, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और उसके ऊपर आप देखें मलाई का कितना अच्छा लेयर दिया हुआ है, ये देखें। सो दोस्तों देखिए मैं भी आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे ये ढाबा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका है, एंड इसका टेस्ट वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर मैं अपना रेटिंग देना चाहूँ टेस्ट की, तो मैं 5 स्टार में से 4.5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। एंड सर्विस की बात करो तो यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी है, सब
बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है यहाँ पे, जितने भी इम्प्लॉय हैं यहाँ के, और सब हाइजीन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं अगर सर्विस का रेटिंग देना चाहूँ तो आपको सर्विस में मिल जाएगा दोस्तों 4.5 स्टार की रेटिंग, एंड एम्बियंस वगैरह दोस्तों यहाँ पे आपको 4 स्टार में इसको आपको एम्बियंस वगैरह के लिए भी देना चाहूँगा। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मुझे बहुत पसंद आया, टेस्ट भी पसंद आए। कुछ कुछ चीज़ें देखिए, मैं फिश कभी खाता नहीं हूँ, मुझे फिश पसंद नहीं आई है, बट यहाँ पे कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं आई, वो उनका अलग अलग ओपिनियन है, बट मुझे नहीं पसंद आते क्योंकि मैं सी फूड नहीं खाता हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, सो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आप चाहते हैं इसी तरीके का मैं और ढाबे की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूं, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और इसी तरह प्यार बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों हम पहले यहाँ पे कुछ कस्टमर से एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे कितने बार आ चुके हैं? यहाँ पे हम लोग तकरीबन हर वीक में आते हैं और हम लोग यहाँ आते ही रहते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। ओके, और यहाँ के अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट आपको कैसा लगता है? टेस्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है। और सर्विस आप बताएंगे, सर्विस के बारे में, यहाँ की सर्विस कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे जो स्पेशली फैमिली लोगों के लिए जो प्राइवेसी दिया गया, उसका क्या आप कहना चाहेंगे? वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। सो दोस्तों ओवरऑल व्यू यहाँ पे बहुत अच्छा है, आप एक बार जरूर विजिट करें, क्योंकि देखिए हमारा ये एक्सपीरियंस आपको हम लोगों ने शेयर किया है, आपका एक्सपीरियंस आप कमेंट के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं।